संजीव किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तीखी लाल मोमोज की चटनी, बिल्कुल मार्केट जैसा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर पैन ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी, इसे गर्म कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। तब इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर को ऐसे चीरे लगा लेंगे। डाल देंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और इसे 5 मिनट ढककर पका लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 5 मिनट हमारा हो गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो टमाटर हमारा ठंडा हो गया है, तो इसके छिलके निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो छिलके हमने निकाल लिया है। अब इस टमाटर को कट करके इसका जो ये जड़ है ये भी हम निकाल लेंगे। देख सकते हो टमाटर को काट करके इसका जड़ भी निकाल लिए हैं। अब एक जार ले लेंगे और इसमें टमाटर को डाल देंगे और मिर्ची भी इसी में डाल देंगे और इसी में 4 लहसुन के कलियां लिए हैं ये भी डाल देंगे और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं ये भी डाल देंगे। 4 से 5 बादाम डाल देंगे और 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और 1 चम्मच सोया सॉस और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे सर्व करते हैं। तो रेडी है हमारा तीखी लाल मोमोज की चटनी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।